अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। 12 मार्च को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होनी है। कॉन्फ्रेंस से पहले अफसरों की फजीहत हुई। कलेक्टरों से रेवेन्यू बढ़ाने का आइडिया मांगा है। सीएम से चर्चा करने से पहले सीएस ने सुझाव मांगे हैं। कलेक्टरों को इसके लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। रेवेन्यू बढ़ाने के उपाय बताने होंगे। 12 मार्च को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होनी है और उससे पहले अफसरों की फजीहत हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता विवेक जी का। विवेक जी, 12 मार्च को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन उससे पहले ही कॉन्फ्रेंस होने से पहले अफसरों की फजीहत हुई है। इसमें मुख्य मंत्री कलेक्टरों से सीधा संवाद करेंगे। इस बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी और कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इससे पहले हाल ही में एक पत्र मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को जारी किया है। उनको ये निर्देश दिए गए हैं और सुझाव भी मांगे गए हैं कि आखिर जिला स्तर पर रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि जो मुख्य सचिव है वो खुद रेवेन्यू मामले में काफ़ी जानकार रहे हैं। कई विभागों में रहते हुए उन्होंने रेवेन्यू बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा काम किया है, लेकिन अब यह जिम्मेदारी कलेक्टरों को दी गई है। मध्य प्रदेश में पिछले साल भी कलेक्टरों से सुझाव मांगे गए थे। कुछ कलेक्टरों का परफॉर्मेंस सही था, यानी कि जो सरकार की मंशा थी उसके मुताबिक कलेक्टरों ने काम किया। लेकिन पिछले एक सालों में ये देखने के लिए मिला है कि लगातार कलेक्टरों के तबादले होते जा रहे हैं। एक महीने से लेकर 6 महीने के बीच में कलेक्टरों के तबादले हो रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर जो है नियुक्ति दी जा रही है और ट्रांसफर किया जा रहा है। कई अफसरों को मंत्रालय में अटैच भी किया गया है। लेकिन ऐसे में मुख्य सचिव ने फिर से कलेक्टरों पर भरोसा जताया है और जो 12 मार्च की बैठक होने वाली है वीसी के माध्यम से, उनमें कलेक्टरों से सुझाव मांगे गए कि रेवेन्यू को आखिर कैसे बढ़ाया जा सकता है। पिछले दिनों में कुछ कलेक्टरों ने खुद से ही सुझाव दिए थे। कटनी, सिंगरौली सहित कई ऐसे जिले हैं जहाँ से कलेक्टरों ने कुछ मामलों को लेकर संशोधन करने की बात की थी और जिससे उन्होंने ये हवाला दिया था कि इससे आय में बढ़ोतरी हो सकती है, जिला स्तर पर जो रेवेन्यू का टारगेट है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। राजस्व मामलों को लेकर भी कई संशोधन करने की बात जो है वो कलेक्टरों की ओर से पहली बार की गई है। कलेक्टर अक्सर सिफारिश नहीं करते हैं, बल्कि जो अफसर है और जो थिंक टैंक है, सरकार के जो थिंक टैंक है, मंत्री है, उनके समन्वय से ही कई जो संशोधन होते हैं अधिनियम और एक्ट में वो किए जाते हैं। लेकिन कलेक्टरों का सुझाव रहा है कि आय बढ़ाने के लिए कुछ काम किए जा सकते हैं जिनमें संशोधन करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में 12 मार्च को होने वाली बैठक से पहले 10 मार्च को कलेक्टरों की तरफ से जो सुझाव देने हैं वो जो है मुख्य सचिव के पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद 12 मुख्य सचिव ने सुझाव मंगाए हैं और ये सुझाव मुख्य सचिव के पास पहुंचेंगे। इसके लिए कलेक्टरों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। रेवेन्यू बढ़ाने के उपाय बताने होंगे। 12 मार्च को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस है, लेकिन उससे पहले ये सुझाव मंगाए गए।